मैं कभी भी आप लोगों ने सुना है, मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि मैं जो कुछ भी हूँ आप सबका आशीर्वाद हूँ और कुछ नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है वो क्या सुपर स्टार होता है, क्या पावर स्टार होता है, क्या पता नहीं कौन सा स्टार होता है। गाइस आप लोग कैसे हो? मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो तो ना रिव्यू है ना किसी मूवी के अपडेट है, मैं तो उस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाला हूँ जो है अभी महान अभिनेता अपने आप को खुद बता रहे हैं, जिसके बारे में वो एक दूसरे को खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री को क्या प्रेजेंट करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। बात कर रहा हूँ मैं पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में। पवन सिंह ने लाइव स्टोरेज में कहा कि जो मैं करते आ रहा हूँ उस पर राह कदम पर आदमी चल रहे हैं, मैं उससे नचा दूंगा जिसने किसी पर नचाया उससे मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में नचा दूंगा। बात हूँ लेकिन मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूँ इस मंच पे, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। भाई क्या चल रहा है, मतलब कि इतने सारे रीजनल इंडस्ट्री हैं, मराठी इंडस्ट्री देख लीजिए, साउथ इंडस्ट्री, इसकी बोलबाला है बॉलीवुड पे। मतलब बॉलीवुड पे जितनी भी मूवीज अभी आ रही हैं आधे से ज़्यादा तो उनसे रीमेक आ रही हैं, उसके बाद में मतलब कि ये क्या रीजनल सिनेमा को कैसे प्रेजेंट करेंगे? वहाँ के सुपरस्टार खुद कह रहे हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ और एक दूसरे को मतलब कि ताना मार रहे हैं, मतलब ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी पता नहीं कैसे। आप लोग अगर जाके गूगल कीजिएगा ना भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी मूवीज़ अभी पास्ट आई हैं सबसे ऐसी ये मूवी है, इतनी सारी मूवी जो यहाँ पर स्टैंड ही नहीं कर रही है, ये फिल्म हमेशा घाटे पर ही गई। आप जाके एक बार यूट्यूब पर सर्च जरूर मारिएगा। बात करो उनकी गानों की, तो गानों में तो तुच्छपन के बिना कुछ होता ही नहीं है। जहाँ आप तो जाके जरा यूट्यूब पर सर्च कीजिए इनकी वीडियो को, वीडियो अगर भोजपुरी अगर न्यू सॉन्ग आप अगर सर्च कर देते हैं तो इनके थंबनेल में जो लिखा होगा ना आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। ऐसे ऐसे तो इसकी गाने की टाइटल्स होती हैं, रातें भुजा के क्या क्या पता नहीं, आप थंबनेल्स देख लेंगे ना कुछ तो आपकी खुद शर्म आ जाएगी, ऐसी इनकी तो थंबनेल होती है, गाने ऐसे होते हैं। उसके बाद में पवन सिंह कह रहे हैं, उसके बाद उसके रिएक्शन पे खेसारी लाल जी आए। खेसारी लाल ने कहा कि आप 150 साल पुराने हैं, आप मुँह से पोटी करते हैं। भाई इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट ही तो होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसके बाद में ये कॉन्ट्रोवर्सी चल ही रही थी एक दूसरे पे चल रहे थे। उसके बाद में आप लोगों को पता होगा जब भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी तो दो भाग में डिवाइड होगी ऑडियंस। मगर इस समय होता क्या है कि पवन सिंह के इतने सारे एटीट्यूड में जो भी कहे जाने वाले बयान थे उसके बाद में खेसारी लाल के सपोर्टर ज़्यादा निकले, थोड़ी सी भावनात्मक आए कि वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद में पवन सिंह खुद आए, फिर से लाइव आए और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, ये होता है, मतलब कि मैं कह देता हूँ फ्लो फ्लो पे ऐसे वैसे कहते हैं। उसके बाद में ये बात सामने शांत होने वाली थी कि फिर अक्षरा सिंह बीच में फिर आए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उनकी लाइव वीडियो आई और भाई अक्षरा सिंह ने इन दोनों को लपेट लिया। बात इन दोनों की चल रही थी और इन दोनों भी लपेट लिया, आपस में ही विवाद, आपस में ही लाइव 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 लाइव, कितना लाइव, कितना लाइव, क्या कर रहे हैं आप लोग? मौका पे चौका मारने का आदत हो गया है। क्यों? क्योंकि पवन सिंह की बैक आप जितने भी वीडियो देखिएगा उसमें जो सॉन्ग में जो हिट सॉन्ग है उसमें अक्षरा सिंह थी, और जो भी लेटेस्ट वीडियो आया है सॉन्ग जो बादशाह ने गाया है उसकी भोजपुरी रीमेक जो बनाई है उसमें अक्षरा सिंह डांस करते हुए नजर आ रही है। पता नहीं ये इनकी तुल है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडियंस कह रहे हैं, इनकी वजह से कहानी है। उसके बाद में अक्षरा सिंह जी खुद दोनों को लपेट लेती हैं। भाई थोड़ा सा डरो, द कपिल शर्मा शो में जब इनकी जितने भी स्टार कास्ट आए थे भोजपुरी के छोड़ के रवि किशन जी को, भाई आप लोग जाके देखिए उसकी वीडियो क्लिप को, उस एपिसोड को, पूरे एपिसोड में अंडर रेटेड इन लोगों को रखा गया, इन्हीं पे जोक्स मारा गया कहीं के, मतलब ये खुल के पता नहीं इन लोगों को उस समय बेइज्जती फील हो रही थी कि नहीं, या तो फिर बाद में उनको ऐसा लगा, और एक एपिसोड में होने के बाद इन लोगों को दोबारा एपिसोड में बुलाया गया और ये फिर गए पता नहीं क्यों। भाई अपना अगर आप स्टारडम इतना रखते हो तो कुछ तो करो अपने लिए, ये फालतू ये बातें पे। भाई मैं जिस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मुझसे गलत शब्द ना निकल जाए, अगर कुछ मुझसे गलती होती है तो मैं माफ़ कर देगा। मैं चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो पर। बाय बाय दोस्तों।